हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय एनसीईआरटी एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। टुडे वी आर स्टडिंग फिजिक्स चैप्टर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। इन दिस वीडियो वी स्टार्ट विद सेकंड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2। इन प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 यू कैन सी और रीड आउट फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वी स्टार्ट विद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मोमेंटम का चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स। किस टाइप का फोर्स लगेगा यहाँ पे? अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा लिखेगा? फॉर्मूलेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम में, मोमेंटम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कैसा चेंज होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स dp अपॉन dt। अब आप सोच रहे होगे dp क्या है? dp इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा था? पर यूनिट टाइम। एंड f इज व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स। बट यहाँ पे हम सिर्फ फोर्स ही लिखेंगे, f रिप्रेजेंट फॉर एफ से फोर्स। स्टेटमेंट सुनिए, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वही मैंने अभी समझाया, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ये है छोटा सा। अब एग्जाम में आता है आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली, और या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ उसका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे दो हम मास लेंगे, एक इनिशियल मोमेंटम के लिए, एक फाइनल मोमेंटम के लिए। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का उसका पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन के लिए। ये मास, दिस इज मास। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस मास इज एफ। यहाँ पे भी फोर्स लगाएंगे, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। और क्या लगेगी? एक एक वेलोसिटी लगेगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? यू। यहाँ पे वी को वी से, तो हम पूरा लिख देंगे इनिशियल। ये इनिशियल के लिए है, मतलब जब स्टार्टिंग हो रहा है और जब वो पहुँच गया। ये फाइनल के लिए है। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोमेंटम ऑफ बॉडी। मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रीवियस वीडियो में देखो, पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। इनिशियल पोजीशन के लिए आई, तो pi इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? मोमेंटम क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मास इंटू प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? यू। सिमिलर केस फॉर फाइनल पोजीशन, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। मोमेंटम के लिए पी, फाइनल के लिए एफ। तो पी एफ इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का मास है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे वी से। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब कुछ ना कुछ अंतर आएगा। मींस अपने को क्या करना है यहाँ पे? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, माइनस। तो फाइनल इनिशियल स्टार्टिंग में से फाइनल नहीं करते कभी भी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो पी एफ माइनस पी आई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एफ? एम बी माइनस पी आई एम यू। एम एम क्या ले लिया यहाँ पे? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? एम एम कॉमन लिया, तो वी माइनस यू, वी माइनस यू। ये क्या हो गया हमारा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में हमारा चेंज हो रहा है। आया पूरा समझ में? ये एक बार आप ध्यान से देख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या फॉर्मूला होता है?
जो चेंज हुआ है मोमेंटम में वो, तो क्या चेंज हुआ था? वीडियो को प्रीवियस में करके देखिए आप थोड़ा। एम वी माइनस यू, ये अपना चेंज हो इन मोमेंटम की वैल्यू थी। अपॉन में क्या होता है सेकंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम में? डी पी अपॉन डी टी, तो डी टी मतलब टाइम टेकन। डी टी टाइम टेकन के लिए लिख रहे थे, टाइम टेकन को टी से डिनोट करेंगे सिर्फ। तो ऐसा हो जाएगा ये एम वी माइनस यू अपॉन में टी। अपॉन में टी क्यों ले रहे हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पर जाइएगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे हो रहा था? डी पी अपॉन डी टी के लिए, तो टी यहाँ पर टाइम टेकन है। अब रेट ऑफ चेंज के लिए, रेट जब चेंज इन मोमेंटम हो रहा था तो सेकंड लॉ में ये किसके प्रोपोर्शनल था? फोर्स के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। व्हाट इज डी पी अपॉन डी टी? दिस एम वी माइनस यू अपॉन में टी। अब सेकंड अपन को यहाँ पे पता रहना चाहिए कि वी की वैल्यू क्या होती है, यू प्लस ए टी। ये एक फॉर्मूला आपका चैप्टर वन का है, मोशन 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 की सेकंड इक्वेशन है ये, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से वी निकालेंगे तो कितना आएगा? वी ये यू माइनस में हो जाएगा, माइनस यू बराबर में क्या चल रहा है? ए टी। अब अपन को ये निकालना है, टी को इसके अपॉन में ले जाओ, तो टी को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ऊपर वी माइनस यू अपॉन में टी यहाँ आ गया, बराबर में क्या चल रहा है? ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू ए, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और क्या था? वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या रख दें? ए। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अपन क्या निकाल सकते हैं? फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटाते हैं तो हम कॉन्स्टेंट से डिनोट करते हैं। तो एफ इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह के एम ए। के इंडिकेट्स फॉर प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू वन यूनिट रख दें और एम की वैल्यू वन यूनिट रख दें, सभी की वैल्यू वन वन यूनिट रख दें और एक्सेलरेशन भी वन यूनिट रख दें, के की नहीं रखेंगे, सॉरी के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखते हैं, मास मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू रखें, तो एफ इक्वल्स टू के इंटू वन। तो एफ इक्वल्स टू के बन जा के, फोर्स किसके, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे अपन बाद में? वन। कुल मिला के अपना आया क्या कि फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन कैलकुलेट और मेजर फोर्स एम इंटू ए। ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। ये पहले भी लिख दिया था मैंने। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन अपने को पता होना चाहिए, सिंपल सा एमसीक्यू में। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? एफ इक्वल्स टू एम ए है, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, वेक्टर लग जाता है ऊपर एम में भी और ए में भी। आया मैथमेटिकल, ये जो मैंने समझाया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पूरा डेरिवेशन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, इज आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कम ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल इजी ये वाला लॉ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? टू एवरी एक्शन There is equal and opposite
रिएक्शन। जब आप कोई भी एक्शन करोगे तो उसके अपोजिट उसका रिएक्शन आएगा। अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, आप एक बॉल से खेल रहे हो, ठीक है, ये बॉल से आप खेल रहे हो, ये बॉल जो है नीचे की तरफ जाएगी, ग्राउंड पे ये चली गई या फ्लोर पे ये गिर गई, तो गिरी तो क्या हुआ, इस पे एक्शन लगा, लेकिन जंप करके ये बॉल वापस आई, ये वापस आ गई, ये जंप हुई और वापस ऊपर आई, तो ऊपर जब आएगी तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, रिएक्शन। तो ये होता है एक्शन और रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, जब आप स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हो और आप पानी पानी को आप पीछे की तरफ धकेल रहे होते हो और आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, तो पीछे की तरफ आप धकेलोगे वो क्या होगा, एक्शन, और आगे की तरफ क्या होगा, उसका रिएक्शन। ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको कोई कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक माय वीडियोज़।